जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र आमर श्रद्धेय सौम्य रंजन पंडा दीर्घ समय धरी महाप्रभुंकर आज जगन्नाथ को कहीं महाबाहु कहा जाए ये कथा उपरे विभिन्न कथा कहते जाओ जगन्नाथ महाप्रभुंकर क्षेत्र आज गोटे पवित्र दिन पापमोचनी एकादशी ए एकादशी व्रत कले पापमोचन हुए से पापमोचनी एकादशी कहुई श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीतिनीति लीला हेउची स्वतंत्र क्षेत्र पुरुषोत्तम अटई नित्य वृंदावन क्षेत्र रे आमे अनेक भक्त मानकर कथा अनेक समय रे आलोचना करिचे आज ठाकुरंकर सेभली भाव रे जणे पापमोचनी एकादशी तिथि रे प्रख्यात भक्तंकर कथा को आलोचना करिबा दीप्रर समय आस्ते आस्ते अपराह्न होबाकु जाउची ए अपराह्न समय जेतु खरा प्रचंड चारियाड़े गोटे प्रचंड खरार आभास मिलुची सूर्य नारायण कर प्रखर गति से मध्यरे सिंहद्वार रे सूर्य नारायण कर सारथी जे कि अरुण स्तंभ ऊपर विराजमान करी जोड़ हस्तरे भक्ति भरा हृदय रे महाप्रभुंकर नीलाद्री मंडप को प्रणाम करछंती निम्न देश रे भक्त माने तापछु तापछो धाड़ी हे से सिंहद्वार बैरिकेड दे भीतर को प्रवेश करी जगन्नाथ को दर्शन करबा पाई चली छंती एभली गोटिया आनंदर समय मध्य रे आमे महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करबा तांकर कथा आलोचना करूचे दीप्रर समय जेहेतु आमर संध्या समय प्रवचन कार्यक्रम को दिन गोटाए चालीस रु चारटा कोड़े पर्यंत परिवर्तन करा जाएची जहाँ संध्या सातटा रु आरंभ होता संध्या समय रे अलग मठ रु सीधा प्रसारण थिबारु आमर नित्य प्रवचन कार्यक्रम को सही दिन गोटे चालीस रु अपराह्न चारिटा कोड़े पर्यंत रखा जाइछि सेथिपाई आज आमे मध्य सही अपराह्न समय हवा को जाउछि प्रभुंकर कथा गाथा तथ्य तत्व सिंहद्वार दर्शन होउछि जय जगन्नाथ टीवीर पर्दा उपरे आपण माने महाप्रभुंकर पवित्र स्थान को दर्शन करछंती श्री निंबाकाराचार्य जणे प्रख्यात संत तांकरी कथा को आलोचना को जीवा जे कि रामानुजाचार्य समसामयिक निंबाकाचार्य मात्र से रामानुज कनिष्ठ थिले से माधवों पूर्ववर्ती आचार्य बोली मन करा जाए द्वादश शताब्दीर शेष भाग रे निजर मतवाद प्रचार करथिले तांकर मतवाद रे रामानुज द्वारा प्रचारित विशिष्टा द्वैतवाद को आलोचना करा जाइछि तेणु आमर भंडारकर मत अनुसार रामानुज महाप्रायण 25 वर्ष पूर्वरु अर्थात 1126 ख्रीष्टाब्दरे महाप्रायण घटिथिला निंबाकाचार्य पितामाता तेलुगु परिवार रे थिले तांकर पितांक नाम थिला जगन्नाथ एवं मातांक नाम थिला सरस्वती निंबारकंकर नाम तांक जन्मस्थान नाम निंबापुर अनुसार होईची
जहाँ वर्तमान रो बेलारी जिला रे नईदुपाटना नाम रे नामित तो। निम्बारकंकर मूल नाम थिला नियमानंद पर से निजर ग्रामर नाम अनुसार निजर आचार्य नाम टी ग्रहण करते तेणु तांकर नाम किपर निम्बारक हला से विषय एक सुंदर कथा मध्य रही। थरे से जने साधु संस्पर्शरे आसीथिले तेणु साधु को तांकर गृह को अन्नभोजन पाई निमंत्रण कले। अन्न प्रस्तुत हला बेलकु प्राय संध्या समय हो जाइथिला। सेई साधु जनक संध्या समय उपगत हेबारु अन्नभोजन करबा को मना कर देथिले। तेणु संध्या परे अन्नभोजन तांको संप्रदायर नियम बहिर्भूत थिला। नियमानंद बड़ अड़ुआ पड़िले साधु निमंत्रित तो होई भोजन न करी फेरीगले तांकर पाप हेबो बोली भावी अत्यंत चिंतित हेले। कारण आपण माने देखिबे साधु संत जदि द्वार देशरु फेरीगले निश्चित भावरे आमको बड़ कष्ट लागे। तेणु आम देश आम परंपरा आम व्यवस्था अतिथि देव भव पितृदेव भव मातृदेव भव आमर संस्कृति परंपरा ये गठित जेते बेले साधु जनक फेरीगले सी मध्य नियमानंद तांको ना थाए बड़ चिंतित हेले। किछि उपाय न पाई महाप्रभु को एक दुर्दिन रे सहायक हेबा पाई प्रार्थना कले। भगवान तांकर प्रार्थना सुनिले से सुदर्शन चक्र को आज्ञा देवारु सुदर्शन चक्र पश्चिम दिगरे सूर्य को आवृत कले। सुदर्शन चक्रंकर तेज विकिरण होई सूर्यंक किरण भली धरापृष्ठ को देखागला। साधु को नियमानंद डाकियानी एक निम गछ आढ़ुआल रखी सुदर्शन चक्र तेज को देखाई देले। साधु सुदर्शन तेज को सूर्य रश्मि भली मन करी भोजन करने को राजी हेले। नियमानंद मनस्कामना मध्य पूर्ण होला। नियमानंद भगवान को आश्रय करी ये अलौकिक घटना घटे परिवारु एवं निम्ब गछ कड़े सूर्य को साधु को दर्शन कराई पारिथिबारु से निम्बाक नाम रे नामित हेले। एवं तांकर भक्त माने तांकु सुदर्शन चक्रर अवतार भाव मध्य वर्णना कले। अन्य आचार्य मानक भली निम्बाकाचार्य ब्रह्मसूत्र एवं श्रीमद् भगवत गीतार भाष्य रचना करी निजर मतवाद प्रकाश करथिले। तांको द्वारा रचित भाष्य अत्यंत प्रांजल एवं क्षुद्र हला। से पूर्व आचार्य मानकर अनुसृत पंथा पूर्व पक्ष एवं परपक्ष धारा को ग्रहण करी सुंदर एवं प्रांजल भावरे निजर मतवाद को उपस्थापन करथिले। से निजर मतवाद को दसटी श्लोक साधारण पाठक मानक अवगति निमन्ते दस श्लोकी नामक एक क्षुद्र ग्रंथ माध्यम रे प्रकाश कले। तांकर शिष्य मान मध्य तांकर मतवाद को प्रचार करी ग्रंथ मान रचना कले। तांकर दस प्रधान शिष्यंक मध्यरु केशव काश्मीरी तांकर मतवादर प्रचार ब्रह्मसूत्र ओ भगवत गीतार मध्य भाष्य रचना करथिले। तेणु निम्बाकाचार्य प्रचंड ज्ञानी निम्बारकंकर मतरे ब्रह्म होचंती सगुण सर्वगुण निधान सकल दोष रहित रामानुज माधवंकर भली से ब्रह्मंक ब्रह्म भाव स्वीकार न करी कृष्ण को ब्रह्म बोली स्वीकार कले। राधा कृष्णंकर सहधर्मिणी भाव प्रचार कले। परमात्मा रूप से श्रीकृष्ण एवं जीवात्मा रूप से राधा मध्य स्वीकृति हेले।
ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଳେଷିତ ଦର୍ଶନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ନିମ୍ବାକାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗୋଲୋକର ନିତ୍ୟକୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ରାଧା ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଗୋଲୋକରେ ନିତ୍ୟ ଲୀଳାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନିମ୍ବାର୍କ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିମ୍ବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଧାରା ସଂସାର ପ୍ରତି ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଅତୀବ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ମହାନ ପୁରୁଷ। ନିମ୍ବାର୍କଙ୍କ ମତରେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମ କାରଣ ହେଲେ ଜଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମ ଚେତନ ଓ ଜଗତର ଜଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଚେତନ ହେଲା। ଜଗତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅଚେତନ ଓ ସଚେତନ ଭାବ ରହିବାରୁ ଭେଦ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଂଶୀ ଏବଂ ଜୀବ ଅଂଶ ହେବାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବ ଉପାସକ, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞେୟ ଏବଂ ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଜୀବ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ରହିଲା। ମାତ୍ର ଜୀବ ଅଂଶ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଅଂଶୀ ହେବାରୁ ଜୀବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ଜୀବ ଅବସ୍ଥା ଭେଦରେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସଂସାର ଦଶାରେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଭିନ୍ନ, ମୁକ୍ତି ଦଶାରେ ଜୀବ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ହେଲା। ଏହି ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ବାର୍କଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଯାହା ହେଉ, ଏଭଳି ଜଣେ ଯେଉଁ ସନ୍ଥ, ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସନ୍ଥ, ନିମ୍ବାକାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନୁସାରେ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଉପାସନା, ପ୍ରପତି ଓ ଗୁରୁ ପ୍ରପତି ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ ସାଧନର ବାଟ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନର ବାଟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନରେ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ନିମ୍ବାର୍କ ପ୍ରଚାର କଲେ। ପ୍ରପତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଜୀବର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନୈସର୍ଗିକ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହୁଏ। ଏହି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଜୀବ ଭଗବତ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା ଯାଏ ଭଗବତ ପ୍ରପତି ଆଉ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ନିମ୍ବାର୍କ ପ୍ରଚାର କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ମନରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମାନ୍ୟ ହେଲା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ରାମାନୁଜ ଓ ନିମ୍ବାକାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଭୟ ଭକ୍ତିକୁ ସାଧନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାମାନୁଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ବାକାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ ନିମ୍ବାର୍କ ପନ୍ଥାର ମତ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ନିମ୍ବାର୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦନା କଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ, ବଳଦେବ କୃଷ୍ଣାନୁଜ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଭକ୍ତି ହେଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ପରମ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭୟ ମଥୁରା ଏବଂ ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା ନୀଳାଚଳରେ ରହିଗଲେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତୀକ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମମୟ, ବ୍ରହ୍ମମୟ, ରାଧା ମାଲିଙ୍ଗ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା। ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ଭକ୍ତକବି ଜୟଦେବ ଅବସ୍ଥାନ କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭାବନାକୁ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବତାରୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରି
दश अवतार स्तुति रचना कर गीत गोविंद को आहरी पुष्ट करदे राधा एवं कृष्ण ये अभिन्न विग्रह श्रीकृष्ण को अवतारी भाव चित्रण कर दश अवतार स्तुति रचना कर गीत गोविंद को आहरी पुष्ट करदे राधाकृष्ण प्रेममय लीला को वर्णना कर देहातीत बोली प्रमाण करे आचार्य पाद निम्बाका आचार्य मिलन रे प्रीति वर्णन बोली दर्शागला राधा भावटी को भगवत प्राप्तिर मूल आधार भाव ग्रहण करा जाई निजर सखी रूप से जहाँकि कहुए सजी दे श्री भगवान प्राप्ति मिल पार बोली प्रचार करागला श्रीकृष्ण जे एकमात्र पुरुष आउ समस्ते नारी तेणु नारी भाव ही कृष्ण साधन मूल तत्व बोली धारणा दि जा तेणु निम्बारकंकर व्याख्या गुड़िकर लक्ष्मी को स्थान राधा एवं विष्णुंकर स्थान कृष्ण ग्रहण करिसंती राधा केवल तांकर प्रेमिका नुहंती सर्वजुगरे तांकर प्रेयसी देवी सहचारिणी बोली मध्ये धारणा दियागला साधनारे राधा कृष्णंकर आराधना को प्रपति भाजन होबा लागि सर्वश्रेष्ठ उपाय बोली निम्बारक कहिले तेणु भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र आपण माने देखुचंती अपराह्न समय प्रायतः समय चारिटा पाखापाखी हेलाणी तथापि खरा प्रचंड रौद्रताप रही जगन्नाथ महाप्रभुंकर भोग मंडप जेहेतु बाहरी अनेक भक्त माने श्री महाप्रसाद सेवा करुचंती एवं प्रभुंकर महाप्रसाद सेवा करी भक्त माने जानी तानी जपापानी जन्मांतरम कृतानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणम पदे पदे प्रभुंकर प्रदक्षिण करी महाप्रभु सीतांकर चली एवं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांते पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथंकर लीला तेणु निम्बारकंकर व्याख्या गुड़िकर लक्ष्मी को स्थान राधा एवं विष्णु को स्थान कृष्ण कृष्ण भाव ग्रहण करा तेणु राधा कृष्णंकर गोटे अप्राकृत लीला को लोकलोचन को आनी निम्बाकाचार्य राधा केवल तांकर प्रेमिका नुहंती सर्वजुगरे तांकर प्रेयसी देवी सहचारिणी बोली धारणा दियागला साधनारे राधा कृष्णंकर आराधना को प्रपतिर भाजन होबा लागि सर्वश्रेष्ठ उपाय बोली निम्बारक कहिले राधा कृष्ण तत्व निम्बाकरकंकर समय ठारु प्रचारित हेले मध्य ओडिशार ब्राह्मण पंडित माने भागवत रे राधा नामटी नथिबारु सेई तत्वटी को सहजरे ग्रहण कले नाही एवं परवर्ती समय रे ओडिशार संत साधक पंचजका मानक मध्यरे कनिष्ठ सखा श्री अच्युतानंद दास निम्बारक पंथार राधाकृष्ण तत्व को मध्य ग्रहण करी ताकु अधिक रुद्धिमंत कले एतत व्यतीत तांकर दर्शन रे श्रीकृष्ण एवं राधांकर गोलोक निवास तत्वटी गृहीत है तेणु राधाकृष्ण जो अपार लीला अपार कथा तेणु से कहुए अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त कलवतरी अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि श्री राधा कृष्णंकर
अपार करुणार कथा को अपार लीलार कथा को जेहेतु वर्णना करा जाइछि निश्चित भावरे जगन्नाथ महाप्रभु को निम्बाकाचार्य तांकर ऐकांतिक भक्ति द्वारा प्रेम रसर डोरी रे बांधि पारिथिले यहाँ होचंति निश्चित भावरे निर्जास कारण भगवान को जे प्रेम डोरी रे बांधि पारे ता पाखरे किछि असाध्य रहे नाही सब सहज होई जाए। से भली भावरे राधा कृष्णंकर भाव को नित्य भाव रास को नित्य रास लीला को गोलोक लीला भाव ग्रहण करथिले निम्बाकाचार्य। ए भावटे राधा कृष्णंकर रागा नुगा भावटी प्रकाश करई नित्य भावटी प्रकाश पाइला। अच्युतानंद दास श्रीकृष्णंकर गोलोक लीला को स्वीकार करी तांकर सगुण और निर्गुण भाव मध्यरे समन्वय रखाणिले। पुनश्च जोग मार्ग रे गमन करी राधाकृष्णंकर लीला को भ्रूरता मध्यरे देखी हेबो नाही एक कथा मध्य दर्शा जाइछि धर्मशास्त्र रे। जीव को राधा भावरे एवं कृष्ण को परमात्मा भावरे सम्मानित करी सहस्रार चक्र रे जीव सहित परमात्मांकर मिलन अर्थात जीव हला राधा को सहित कृष्ण जी की परमात्मांकर नित्य रास मिलन कह जाए बोली यदि आम ताकू होती एकाग्र चित्त तार सहित देखा तेबे अनुभव रे जानी हेबो समाधिस्त हेले जणा जीव जे राधा कृष्णंकर भावटा कौन तांकर द्वारा रचित शून्य संहितारे राधा भावटी को अलग नित्य भाव रूप से गृहित करा जाइछि। सगुण उपरे आधारित भाव बोली वर्णना कला बेले अष्टपाटवंशी मानकर भावटी राजसिक भाव बोली दर्शाइले। एपरिकि एक छलनार नाटक सृष्टि करी अष्टपाटवंशी मानकु नै गोलोकरे राधा कृष्णंकर नित्य रास दर्शन कराई प्रणाम करि देले जे अष्टपाटवंशी मानकरे राजसिक भाव राधांकर सत्व भाव ठारु यथेष्ट न्यून। एही विचारधारा रे निम्बाकाचार्य चिंताधारा प्रतिफलित हेला। तेणु सर्वादौ भारत बर्षर प्रख्यात प्रख्यात संत माने विभिन्न समय रे पुरुषोत्तम क्षेत्र को आसी जो मान कि पुरुषोत्तम क्षेत्र रो विविध स्थान रे रही विभिन्न तीर्थव्रत करती क्षेत्र परिक्रमा करती एवं प्रभु को दर्शन करती श्री महाप्रसाद पाती मध्य अनेक धर्मीय भावना को सेठी जाग्रत करिता अनेक साधु संत माने चतुर्मास्या व्रत भी करंती। सेबली भावरे जने प्रख्यात संत भारत वर्षर निम्बाकाचार्य सर्वप्रथमे कृष्ण भक्ति धारा को प्रचार करी जगन्नाथ को कृष्ण बोली विचार करिवार परे परे बल्लभ कृष्ण भक्ति धारा पुष्टि मार्ग एवं चैतन्य कृष्ण भक्ति धारा रे रागानु भाव परिपोषण कले तांक समय को जगन्नाथ कृष्ण हेले। परवर्ती समय रे यही भावधाराटी प्रचार लाभ करी जगन्नाथ ठारे कृष्ण तत्व भावटी को अधिक आरोपित करागला। आगुरु भगवान स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु अनेक साधु संत पूजक माने तांकु सही कृष्ण तत्व भितर आबद्ध रखिथिले किंतु जगन्नाथ महाप्रभु कौथे आबद्ध नुहंती जी जो प्रकार स्तुति कला महाप्रभु तापी से प्रकार रूप हो जाती रूप रेख ना ये शून्य दे अच उदय हुए जाऊ भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र महान लीला सिंह द्वारा आम देखुचे
एबे भी मध्य अपराह्न समय हलानी तथापि भक्त मानकर मध्य गहली ला छाडीची टिके पुणी आउरी मध्य गहली बढ़ुची और केते बेले टिके छाडी जाउची केते बेले बढ़ी जाउची एक कथा मध्य आसुची। जगन्नाथ भावधारा एक प्रचलित रीतिनीति कृष्ण भाव यहीपरि भाव संलग्न हो गला जे जगन्नाथ जे कृष्ण यही विचारधारा टी अनेक भाव गृहीत है। यही भावधारार मूल प्रवर्तक श्री निम्बाकाचार्य तेणु अन्य भक्त एथे कौनसी संदेह अवकाश नहीं। निम्बाकाचार्य भलिया भक्त सारा भारत वर्ष मिलवा दुसाध्य कथा। तेणु आज हूँ अपराह्न समय आम भगवान श्री श्री निम्बाकाचार्य श्रीक्षेत्र को जो आगमन कले तापरे तांकर इतिवृत्ति उपरे आलोचना मध्य करुथिले। एतत व्यतीत अनेक महापुरुष मान मध्य अनेक धर्मशास्त्र को आलोचना करती श्रीक्षेत्र रे रहणी समय रे से निजे अनेक प्रकार धर्मशास्त्र को लोकलोचन को आनी ताको मध्य आलोचना करती। तेणु सृष्टिर उत्पत्ति रहस्य को जदि आम जानिबा तबे आमको महाभारत को जीवा को पड़ो। महाभारत सृष्टि उत्पत्ति रहस्य संपर्क अच्छी उग्र सभा कहले विप्रवृंद जो समय संसार अंधार अंधकार आवृत थिला से समय एक दिव्य स्वर्णमय अंड उत्पन्न है। उग्र सभा श्रभा जे कि जने स्वतंत्र धर्मपरायण ऋषि एवं से धर्मपरायण ऋषि उग्रसभा स्वतंत्र भाव नैमिषारण्य शौनकादि सहित जेते बेले रे सौती एवं सौती प्रति शौनकादि प्रश्न रु ही महाभारत आरंभ होई छी। तेणु तांकरी सहित थिले उग्रश्रवा जो समय रे ये संसार अंधकार थिला यार अर्थ संसार टी संपूर्ण जेते अंधार थिला से समय रे दिव्य स्वर्णमय अंड टी उत्पन्न होला। यही अंडरु प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हेले यही अंडरु दस प्रचेता दक्ष दक्ष को सात पुत्र चौद मनु विश्वदेवा आदित्य वसु अश्विनी कुमार यक्ष साध्य पिशाच गुह्यक पितर ब्रह्मर्षि राजर्षि सप्तलोक चौद भुवन पंचभूत दिग संवत्सर ऋतु मास दिन राति और अन्यान्य विभिन्न पदार्थ उत्पन्न हला हे विप्रगण। जेपरी ऋतुर आगमन रे पत्र पुष्प फल आदि प्रकट हो जाती और ऋतु व्यतीत हो जिवारु तापरे सब लुप्त हो जाती सेपरी एई संसार रे सृष्टि काल रे ब्रह्मांक ठारु प्रकट होइतेला तथा प्रलय काल रे से ब्रह्मांक ठारु लुप्त हो जायता। सृष्टि और प्रलय रे एई चक्र अनादि काल रु अनंत काल पर्यंत निरंतर चलीछि। तेणु आमर ता परवर्ती पर्यायर जन्मेजय को साप होई से कथा मध्य उग्रसभा कहते विप्रगण परीक्षित पुत्र जन्मेजय को कुरुक्षेत्र एक दीर्घकालीन यज्ञ करुले। जन्मेजय जेतेबेले दीर्घकालीन यज्ञ कले तीन भाई श्रुतसेन उग्रसेन भीमसेन यज्ञर परिचालना करुले। ए समय रे
ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱାନୀ ବର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସାରମେୟ, ଶର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲା ସାରମେୟ, ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର ଭାଇମାନେ ସେଇ ଶ୍ୱାନ ସାରମେୟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଲେ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାନ୍ଦୁଥିବା ପୁଅକୁ ଦେଖି ମା ତାର ପଚାରିଲା, ଆରେ ବାପା ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ, ତୋତେ କିଏ ମାରିଲା? ସାରମେୟ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ମା ବୋଧେ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ଭାଇମାନେ ମାରିଲେ। ଶର୍ମା କହିଲା, ରେ ପୁତ୍ର ତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ବୋଧେ କିଛି ଅପରାଧ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୋତେ ମାରିଲେ। ସାରମେୟ କହିଲା, ମା ମୁଁ କିଛି ଅପରାଧ କରିନାହିଁ, ତାଙ୍କ ହବିଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ ନାହିଁ। ପୁତ୍ର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମାତା ଶର୍ମା ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ମୋ ପୁତ୍ର ତୁମଠାରେ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନାହିଁ, ତୁମେ ତାକୁ କାହିଁକି ମାରିଲ? ଜନ୍ମେଜୟ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶର୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ ପୁତ୍ର ନିରପରାଧ ଥିଲା, ତୁମେ ତାକୁ ମାରିଲ, ତୁମେ ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏଇ କଥାଟି କହିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର ସୋମଶର୍ବାଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର କଥାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। କାରଣ ଆମର ସଂସାରରେ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ। ଗୁରୁ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ସିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲ୍ଲଭ, ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ସୁନାରେ ଅବା କରିବେ ଲୋଭ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ସିଏ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗତଗୁରୁ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରି ଭକ୍ତ ସମର୍ପିତ ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିବି, ସେଦିନ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପଠାନ୍ତି। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ ତାକୁ ଭଗବାନ ତା ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ସଦ୍ଗୁରୁ ପଠାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଚିରାଚରିତ କର୍ମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିଧିବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ। ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଗୁରୁ ନାଁଟିକି ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଛି। ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ନରୌ ଚୈବ ନରୌତ୍ତମଂ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାସଂ ତତୋ ଜୟ ମୁଦୀରହିତ। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ। ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି। ଭିତରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗିଥାଏ, ଆଜ୍ଞାମାଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ମଦନ ମୋହନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରୁ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରିବେ, ଏବଂ ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ କୋରାଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟାହାରୀ ଆସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଆରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଖଟ ସେଜ ମେକଅପ୍ ସେବା ଆସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଆରୀ ସିଏ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଶୋଇବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାନ ଲୀଳା, ଇଏ ଲୀଳା ଗୋଟେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ର। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି
विभिन्न प्रकार रीतिनीति रही ठाकुर बंदापना नीति अच्छी एकादशी अच्छी एकादशी बंदापना रही एकादशी बेढ़ा आज हम कारण जेहेतु एकादशी जदि पड़ जाए नक्षत्र बंदापना तबे एकादशी बेढ़ा सहित गोटे थर करा जाए केवल नक्षत्र बंदापना ही हुए। ये सब रीतिनीति गुड़िक श्रीमंदिर विधि व्यवस्था अनुसार पालन करा जानती प्रातः समय रु भगवान द्वार फिटा मंगल आरती अवकाश मैलम तड़प लागी सूर्य पूजा द्वारपाल पूजा गोपाल वल्लभ एवं महाप्रभुंकर सकाल धूप जो सकाल धूप स्वतंत्र भाव में प्रभुंकर प्रत्येक भक्त माने पाइबा पाई श्री महाप्रसाद व्यवस्था करा जाए। आज मध्याह्न धूप 2:55 रे बढ़ी द्वितीय भोग मंडप उठिला 2:50 रु तेणु 2:50 परे द्वितीय भोग मंडप जेहेतु उठिला 4:05 सुधा द्वितीय भोग मंडप महाप्रभुंकर कंप्लीट हेब ता परवर्ती पर्यायर अन्यान्य नीति चलिबो कारण प्रभुंकर प्रत्येक धूप परे महाप्रभुंकर सब स्वतंत्र रीतिनीति थाए जो रीतिनीति सब रही आज जेहेतु एकादशी नीति अच्छी एकादशी गोटे सर्वांग रही सर्वांग बंदापना महाप्रभुंकर एकादशी अच्छी ताब तेणु श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांते ठाकुरंकर रीतिनीति पूजा ये सब हूँ गोटे परंपरागत व्यवस्था तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंकर साधारणतः प्रतिदिन सकाल धूप शेष होगा श्रीमंदिर गार्दर चर्चा वाला बा पुलिस माने कर्मचारी तीन जन पालिया पुष्पाक चांगड़ा मेकअप पालिया मेकअप गराबड़ू भोग मंडप प्रतिहारी सेवक मानक डाकवाई जाती सकाल धूप पर मैलम बेस निर्धारित समय ही दिवा 12:00 मध्याह्न 1 घंटा मध्य सकाल धूप सरी समस्त भोग बुहा स्थान को पानी पड़ी परिष्कार करा जाए तेणु महाप्रभु आज सकाल धूप पाई सारी मध्याह्न धूप अनुष्ठित हो जाइए आम पाखे जहाँ सद्य तथ्य पहुँचुची एत व्यतीत द्वितीय भोग मंडप कारण भोग मंडप गोटे तो आगुरी होता गोटे 20 सुधा तापर द्वितीय भोग मंडप महाप्रभुंकर एवं द्वितीय भोग मंडप पर आज स्वतंत्र नीति रही जहाँ आमें आज एकादशी नीति अच्छी प्रभुंकर रात्र माने आमर रात्र 10:00 प्रायतः 10:00 पर श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पुरुषोत्तम क्षेत्र सीधा प्रसारण मध्यम आपण माने महादीप दर्शन करिवे कारण दीपंज्योति परम ब्रह्म दीपंज्योति जनार्दन दीपंज्योति हरते पाप पूजा दीपम नमस्तुते महादीपम नमस्तुते महाप्रभुंकर दीप को मध्य दर्शन कले पुण्य हुए ठाकुरंकर ना हूँ महाप्रभु जगन्नाथंकर पुणी दीप होची महादीप तेणु से महादीप मध्य उठिबो आज रात्र रे एवं आपण माने महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र रु आमर सीधा प्रसारण तो जारी रहिबो किंतु वर्तमान आमे कार्यसूची संपर्क रे आगो अवगत होबा एवं सीधा प्रसारण सहित श्रीमती नमिता अग्रवाल महोदया सुललित कंठर भक्तिभरा भजन श्रवण करिबा
वर्तमान आग आम कार्यसूची संपर्क सूचना पाइबा परे आगुकु कार्यक्रम चली रहिबो। जय श्री जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। श्रीक्षेत्र पुरी रु वर्ष सारा लाइव देखंतु श्री जगन्नाथ द्वार फिटा भोर 5 टा मंगल आरती और सूर्य उदय।